किसी का भी अगर मोबाइल फ़ोन कहिए तो आज के डेट में उनका सारा काम उनसे होता है, मोबाइल है। तो उसको खोने का जो दर्द होता है और उसको जो भुलाने का जो एक गम होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बस उस चीज़ को संवेदना को समझते हुए हमारे गार्जियन जो सीनियर SP साहब हैं जमशेदपुर, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया कि हम उनके खोए हुए मोबाइल या चोरी गए मोबाइल को कैसे उन तक जितना शीघ्र हो सके उपलब्ध कराएं, मोबाइल को रिकवर कराएं, और इस संबंध में जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जो कराया जा रहा है मुहिम, ये काफ़ी सराहनीय है, लोगों में पुलिस के प्रति काफ़ी विश्वास बढ़ा है। वो मोबाइल या तो मुंबई में यूज हो रहा है, केरला में यूज हो रहा है, जमशेदपुर में, सरायकेला में, बात करके लाइजनिंग करके उस मोबाइल को वो मंगवाते हैं। तो इन मेन मकसद हम लोग का काम है डेटा, और सेकंड पार्ट जो होता है इस मोबाइल का वितरण में वो सबसे बड़ा रोल सेकंड पार्ट है सर लोग का। नमस्कार, सुशील संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत अपने सहयोगी सज्जन के साथ। आज के दिन जो है बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है जमशेदपुर वासियों के लिए खास करके, और जमशेदपुर जो पुलिस है, कप्तान के द्वारा और उनकी जो टीम है, सभी थाना के अलग अलग प्रभारी यहाँ पे मौजूद थे बिष्टुपुर मल्टीपर्पज़ हॉल में, और उनके द्वारा एक ऐतिहासिक पल जो बता दें लॉस मोबाइल का कार्यक्रम और बरामदी के साथ लोगों को अपने घरों तक पहुंचाना एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है। और पिछले 24 दिसंबर 2022 को ये पहला चरण की शुरुआत हुई थी और आज पाँचवा चरण है, जो बता दें आज 187 पाँचवा चरण में मोबाइल लॉस मोबाइल को बरामद करके दिया गया है। और आज के दिन बता दें टोटल पाँचवें चरण तक 1147 मोबाइल का यहाँ पे लॉस मोबाइल को बरामद करके लोगों तक पहुँचाने का काम, ये पूरे झारखंड में एक ऐतिहासिक पल है जमशेदपुर पुलिस के द्वारा। तो हमारे साथ सीताराम डेरा थाना प्रभारी भूषण सर मौजूद हैं, आइए इनसे तमाम जानकारियाँ के साथ जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू मंजीत। जमशेदपुर पुलिस के तरफ से हमारे SSP सर के द्वारा एक इनिशिएटिव जो है ये लास्ट ईयर शुरू किया गया था। ये आम लोगों का सबसे ज़्यादा अगर जुड़ाव है अपने फैमिली से ज़्यादा के अलावे, तो वो एक अपना उनका एक दोस्त है, वो है मोबाइल। और किसी का भी अगर मोबाइल फ़ोन कहिए तो आज के डेट में उनका सारा काम उनसे होता है, मोबाइल है। तो उसको खोने का जो दर्द होता है और उसको जो भुलाने का जो एक गम होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बस उस चीज़ को संवेदना को समझते हुए हमारे गार्जियन जो सीनियर SP साहब हैं जमशेदपुर, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया कि हम उनके खोए हुए मोबाइल या चोरी गए मोबाइल को कैसे उन तक जितना शीघ्र हो सके उपलब्ध कराएं, मोबाइल को रिकवर कराएं, और इस संबंध में जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। सर, कितनी मेहनत और सशक्त से जब मोबाइल खोते समय एक जनता जो जब थाने पहुंचती है तो उनको ना उम्मीद को उम्मीद में किस तरह से सर बदला जाता है? आप इस प्रोग्राम में देखे होंगे कि काफ़ी लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया, काफ़ी लोगों ने अपनी खट्टी मीठी जो अनुभव है उसको बताया कि पुलिस में कंप्लेन करने से पहले काफ़ी हिचकते हैं, बहुत तरह की बातें उनके दिमाग में आती है, कुछ लोगों के द्वारा नेगेटिव फीडबैक भी दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जब ये मोबाइल हमारी टीम, हमारा पूरा टेक्निकल सेल टीम जो पूरा जमशेदपुर का है, मेहनत करके पूरे उनको जब हम दिलाते हैं तो यकीन मानिए उनकी जो मुस्कान और उनका जो विश्वास और खुशी होता है वो हमारी सबसे बड़ी जो है उत्साहवर्धन है, हमारे लिए मोटिवेशन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। तो हमारे साथ इस वक्त सुंदरनगर थाना प्रभारी प्रभात सर मौजूद हैं, आइए इनसे भी जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत जी। ये जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जो कराया जा रहा है मुहिम, ये काफ़ी सराहनीय है, लोगों में पुलिस के प्रति काफ़ी विश्वास बढ़ा है। हमारे सुंदरनगर थाना क्षेत्र में विगत छः मोबाइल लॉस्ट हुआ था, जिसमें चार का डाटा दिया गया तकनीकी शाखा द्वारा। उसमें से दो मोबाइल जो है सो झारखंड से बाहर, एक बिहार के औरंगाबाद में थे और एक बिहार के पटना जिला में थे, और तीसरा मोबाइल जो है सो सरायकेला जिला में था, आदित्यपुर क्षेत्र में, और चौथा डिमना में था। तो मैंने जो है सो औरंगाबाद और पटना के जो मोबाइल जो वास्तविक जो वर्तमान धारक थे उनसे मैं डायरेक्ट फ़ोन से बात किया और बताया उनको कि जिनका मोबाइल ये गुम हुआ है वो काफ़ी
निर्धन व्यक्ति हैं, काफ़ी लाचार हैं, और ये जो आपके पास मोबाइल जो यूज हो रहा है वो कृपया उन्हें आप लौटाने का प्रयास करें। तो पुलिस के प्रति एक छवि कह सकते हैं लोगों के बीच, जो उन्होंने इतना सुना और वे बाय बस से उन्होंने पटना से जो है बस जो चलती है जमशेदपुर के लिए, बस के माध्यम से वो जमशेदपुर बस स्टैंड भेज दिए और वहाँ से हमने जाकर के मोबाइल को रिसीव कर लिया। दूसरा, औरंगाबाद का जो मोबाइल था वो हमारे पदाधिकारी जो वहाँ पे छुट्टी में गए हुए थे, हमारे कर्मी, और वहाँ पर उन्होंने उस मोबाइल को रिसीव कर लिया। तो इस तरह से छोटा छोटा काम जो पुलिस जो नेगलेक्ट करके पहले जो होता था, उसमें हम लोग चाहते हैं कि उस विचारधारा से उसको आगे बढ़ते हुए उस पर काम करें, और जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जो किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय कार्य है। इससे लोगों में पुलिस के प्रति काफ़ी विश्वास बढ़ा है और लोग चाहते हैं कि पुलिस के साथ कदम से कदम बढ़ा कर चले। धन्यवाद। तो इस वक्त जमशेदपुर का पुलिस के द्वारा जो SSP प्रभात कुमार सर के द्वारा जो काफ़ी एक अच्छे योगदान के तहत आज जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें कहीं ना कहीं बता दें कि बेतौर जो साबित होता है वो टेक्निकल सेल शाखा के हमारे साथ संतोष सर मौजूद हैं, और इनकी एक जो पर्दे के पीछे भूमि है, वो कार्यशैली है, वो ये अहम भूमिका निभाते हैं जो इस योगदान में इनको कहीं ना कहीं एक बहुत ही सराहनीय माना जाता है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब बात करते हैं। सर, सबसे पहले सोशल संवाद में बातचीत के लिए स्वागत है। धन्यवाद सर। आज आपके द्वारा सर और पूरी जमशेदपुर के पुलिस के टीम के द्वारा जो इतनी सहनीय कार्य में कितनी मकसद के साथ मोबाइल रिकवर किया जाता है सर? देखिए, चैटबोट जो सेवा शुरू किया गया जनता के लिए, ये चैटबोट सेवा शुरू करने का मकसद ही है कि जनता के पास हम लोग बिना थाना के शिकायत पहुंचे हुए थाना के माध्यम से उसको मोबाइल लौटाना, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल क्या होता है कि जब चैटबोट में एंट्री होता है उसके बाद हम लोग का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि डेटाबेस के पास हमारा सिस्टम है, वो डेटा आ जाता है। जब वो डेटा आ जाता है उसके बाद हम लोग उस पर एनालिसिस करके उसका सारा फिल्टर करके, इसमें बहुत सारा क्या होता है ना कि कॉमन डेटा को एंट्री मारते हैं लोग, एक बार नहीं गया तो चार बार पाँच बार मारता, उसे को फिल्टर करके फिर एक डेट सेलेक्ट करते हैं कि इतना तक हम लोग उसको आपस में रन कराएंगे, और उसके बाद जो डेटा आता है तो संबंधित थाना को हम लोग वो डेटा देते हैं, और संबंधित थाना दिन रात मेहनत करके उस मोबाइल को रिकवर करती हैं, और उसके बाद वास्तविक मालिक को इस तरह हम लोग मेगा कैंप लगा के वितरण करते हैं। सर, कई ऐसे मोबाइल्स हैं थाना अंतर्गत जो कि शहर के बाहर भी बरामद किए गए हैं, तो उसमें क्या कुछ खास ऐसे मेहनत या फिर ज़्यादा मकसद? इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है शहर के सभी थाना प्रभारी का, क्योंकि मेरा जो काम है डेटा निकाल के देना, वो मोबाइल या तो मुंबई में यूज हो रहा है, केरला में यूज हो रहा है, जमशेदपुर में, सरायकेला में, वो उनको अपने स्तर से वो किसी भी माध्यम से बातचीत करके या उसको उस थाना में पहुंचवाने के लिए उनको या तो प्रेरित करते हैं या बात करके लाइजनिंग करके उस मोबाइल को वो मंगवाते हैं। तो इन मेन मकसद हम लोग का काम है डेटा, और सेकंड पार्ट जो होता है इस मोबाइल का वितरण में, वो सबसे बड़ा रोल सेकंड पार्ट है सर लोग का। सर, अभी एक लास्ट सवाल है कि जब मोबाइल किसी का गुम होता है तो थाने जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि सर ने बताया, तो उस वक्त कैसे कंप्लेन किया जाता है? कई लोगों को ऐसा अभी भी नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो चैटबोट का जो नंबर है 9006123444, 9006123444, ये सबसे आसान नंबर। हम लोग बहुत सारे साहब भी आज जैसा बताए, हम लोग ने बहुत सारा पटना रांची में काफ़ी देर तक इस नंबर के प्रति बहुत आगे पीछे किए, फिर कई नंबर आए, उसमें नंबर में हम लोग बाइनरी नंबर ऐसा सेलेक्ट किए जो कि लोगों के मुंह पे याद आ जाए, ऐसे नंबर को हम लोग ने पहला सेलेक्ट किया, क्योंकि चैटबोट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर ऐसा कॉमन हो कि जिसको लोग याद रखें, वो हम लोग किए। और जब चैटबोट का नंबर हम लोग जिस दिन लॉन्च किए, विद इन 24 घंटा लगभग 200 मोबाइल का शिकायत आ गया, तो इससे हमको लगा कि उत्साह मिला कि नहीं, इसके प्रति लोग जमशेदपुर की जनता बहुत इच्छुक और बहुत एक्टिव है। और उसके बाद फिर 3-4 वर्ड उसमें डालने पड़ते हैं, एंट्री करना है, जैसे हम लोग व्हाट्सअप करते हैं उसे वो नंबर सेव करना है, फिर हाय हेलो पुलिस जोहार, ये 4 शब्द डालना है, उसके बाद एक लिंक आता है, उस लिंक पर हम लोग फिर सारा अपना डेटा मोबाइल IMEI और जो भी है डेटा, जो डिमांडिंग डाटा है वो डेटा आप सबमिट करते हैं, फिर वो डेटा हमारे एक्सेल शीट में आ जाती है, फिर हम उस डेटा पे अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त देख रहे थे, हमारे साथ सिद्धौड़ा थाना प्रभारी भी मौजूद हैं। सर, आपके अंतर्गत कितने मोबाइल अभी तक
पाया गया सर? आज हम लोग 15 मोबाइल को जो है वितरण किया गया SSP सर के निर्देशन में और उनके उपस्थिति में वितरण किया गया। और ऐसे पूर्व में भी हम लोग बहुत सारे मोबाइल को खोज चुके हैं और आगे भी यह निरंतर जारी रहेगा। हम लोग हमारे जो जैसा आपने बताया कि हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया जाता है और उस डाटा पे हम लोग मोबाइल को बरामद करते हैं, तो मेन सराहनीय काम हमारे टेक्निकल सेल के जो भी भाई बंधु हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, उनका है। और सेकंड मेरा वर्क आता है, अगर फर्स्ट में वर्क बढ़िया से नहीं होगा तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे थे, और बता दें कि सबसे पहली बात बता दो, जमशेदपुर ही नहीं बल्कि जमशेदपुर शहर से बाहर भी लोग अगर रहते हैं तो वहाँ से भी आप अपने कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। आपने देख लिया टेक्निकल सेल की शाखा की जो सर थे वो सारी जानकारियों को आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आप जमशेदपुर के अगर जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप जमशेदपुर पुलिस का हमेशा तात्पर कदम पे कदम मिलाए रखें ताकि आपका सहयोग मिलता रहे। तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद। मैं मंजीत अपने सहयोगी सीजन के साथ, जमशेदपुर, झारखंड।